गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर सिक्स आर्टिकल ए एन एंड द आर आर्टिकल। आपको मैं बता चुकी हूँ कि आर्टिकल कौन कौन होते हैं। ए एन द हमारे आर्टिकल होते हैं। यूज ऑफ ए, अब ए का यूज कहाँ पे होता है? आर इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड। आर का यूज हम उन शब्दों से पहले करते हैं जिनका साउंड कंसोनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैप, ए बैग, ए मैंगो, ए टेप। सी हमारा वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है, और इस कैप की स्टार्टिंग कंसोनेंट लेटर से हो रही है, इसलिए इसमें आर्टिकल ए का यूज किया है। बी ए जी बैग, बी जो बी लेटर है हमारा कंसोनेंट है, इसलिए बैग से पहले हमने ए का यूज किया है। मैंगो में एम हमारा कंसोनेंट लेटर है, ए का यूज हुआ है। टी हमारा कंसोनेंट लेटर है, ए का यूज किया है। नेक्स्ट एन, एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद वोवेल साउंड। वोवेल साउंड आप जानते हो, वोवेल वर्ड होते हैं हमारे, वोवेल लेटर होते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं? उनसे पहले जब हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं तो हमारा एन होता है। एन और एन ओ, वो हमारा क्या है? वोवेल। वोवेल कौन कौन सी है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू वोवेल लेटर से पहले, वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले हम एन का यूज करते हैं, वो हमारा वोवेल है। तो इससे पहले हमने एन का यूज किया है। ई भी हमारा वोवेल है, एन का यूज हुआ है। एन इग्लू, एन एरोप्लेन। नाउ होमवर्क, राइट एंड लर्न आर्टिकल्स। ओके।